दिल्ली के नरेला में बायजूस कोचिंग सेंटर 2021 से चल रहा है, जिसके बाद से वहां के तमाम बच्चे इस कोचिंग सेंटर में आकर अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से बायजूस कोचिंग सेंटर को वहां से बंद करने का ऐलान कंपनी के द्वारा कर दिया गया है, जिसके बाद से वहां पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक सभी परेशान हैं। बता दें कि बायजूस कोचिंग सेंटर ने असुरक्षा को लेकर कोचिंग सेंटर को बंद करने की बात कही है, जिसके बाद से लगातार लोगों के द्वारा इसे यहां से बंद न करने की अपील की जा रही है। वहीं कोचिंग के बच्चों का मानना है कि हमें यहां अच्छे से पढ़ाया जाता है और इसे ना बंद किया जाए। वहीं बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बायजूस को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यहां कोई असुरक्षा नहीं है। वहीं नरेला के सांसद के द्वारा डीसीपी से भी इस विषय में बात की गई है। वहां के एसीपी के द्वारा सेंटर पर जाकर पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। आज आप यहाँ पे आए हो, किस वजह से आई हो, क्या मामला है? अच्छी लगती है हमें और यहाँ ही रहना है हमें, यहाँ से बायजूस ना जाए। आज आप यहाँ पे आई हो, किस वजह से आई हो? हमें बताया गया कि बायजूस बंद होने वाला है, तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए कि बायजूस नरेला से ना जाए, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बोर्ड लेके खड़े कि बायजूस नरेला से ना जाए। नाम आपका? मैं सदाराम गुप्ता। सर क्या मामला है? नरेला से और ये बायजूस जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को दी जाती है, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से ये यहाँ से हमारे नरेला शहर को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मुझे बहुत खेद है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो अप्रिशिएट करते हैं इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और हम नहीं चाहते कि ये यहाँ से सस्ता इस तरीके से जाए। बायजूस सेंटर बंद होने को लेकर वहाँ पढ़ रहे बच्चे और अभिभावक हर कोई परेशान है, लेकिन अब देखना होगा कि बायजूस के द्वारा इन बच्चों के भविष्य को लेकर फाइनल क्या निर्णय लिया जाता है। सर क्या मामला आज यहाँ? देखिए बायजूस कंपनी, उनको पता नहीं क्या गलतफहमी हो रही है, उनको एक असुरक्षा की जो भावना आई है, नरेला के जो हमारे सांसद मौजूद हैं उन्होंने भी डीसीपी साहब को भी निर्देश दिया है और एसीपी साहब खुद आ गए सेंटर पर आश्वासन दे गए हैं, एसटीओ साहब आगे गए हैं और हम संस्थाओं की तरफ से भी एमएलए काउंसलरों ने भी इनको आश्वासन दिया है, फिर भी असुरक्षा की भावना कहाँ से है? 200 बच्चों का भविष्य अंधकार में करके कंपनी अगर यहाँ से जा रही है तो अच्छा नहीं है। हम अपील करते हैं बायजूस से नरेला छोड़कर ना जाएं, हम उनको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, नरेला में कोई भी किसी प्रकार की ऐसी घटना होगी तो हम उनके साथ हैं और कोई समस्या होगी तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। आई एम सीमा दलाल। आज मैं आप यहाँ पे हो, क्या मामला है? सर यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन हो गया है बायजूस कंपनी को, इसकी वजह से कंपनी इनसिक्योर फील कर रही है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। आई बिलीव दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन इन अफोर्डेबल फीस और मैं चाहती हूँ एज अ प्रिंसिपल भी और एज अ पेरेंट भी मैं अपने बच्चे के लिए भी चाहूँगी कि ये सेंटर यहाँ पर बना रहे ताकि पेरेंट्स को यहाँ पे बेल्ट में ये एक बहुत अच्छी संस्था है ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है।